हरि ओम जयतु संस्कृतम सर्वेभ्य नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा दसवीं का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम हमेशा उचित है। व्यायाम हमेशा उचित होता है। श्रीरायास, इसका पहला जो श्लोक है, श्रीरायास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। इस श्लोक का अर्थ है कि श्रीरायास जननम, आयास, आयास का अर्थ होता है परिश्रम, जननम उत्पन्न करने वाला, शरीर में परिश्रम, परिश्रम से थकावट उत्पन्न करने वाला कर्म कार्य व्यायाम संगीतम व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु, उसको करने के बाद सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। विमृदनीयात का अर्थ होता है मालिश करनी चाहिए समन्ततः चारों तरफ की। तत्कृत्वा तु, उसको करने के बाद सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः, सारे शरीर में धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीर में थकावट करने वाला परिश्रम वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करके शरीर भी सभी ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। उस व्यायाम को करके शरीर की सभी ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। इस तरह से इसको लिखना है। पहला श्लोक है कि शरीर में ऐसा परिश्रम जो थकावट उत्पन्न करता है, ऐसा परिश्रम वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करके शरीर की सभी ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। आगे है दूसरा, शरीरो उपचय कांतिर गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्य स्थिरत्वम लाघवम रिजा। दीप्ताग्नित्वम अनालस्य, मतलब इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि होता है कि दीप्ताग्नित्वम जठराग्नि का पूर्ण प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, अनालस्य, अनालस्य आलस्य का ना होना। शरीरो उपचय, शरीरो उपचय, श्री व्यायाम से क्या होता है, शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि होती है। कांति, कांतिर गात्राणाम, गात्राणाम गात्र होता है कि शरीर के जो अंग हैं, व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है, चमक, शरीर में चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य सुविभक्तता, शारीरिक सौंदर्य तथा जठराग्नि दीप्ताग्नित्वम जठराग्नि की वृद्धि, अनालस्य आलस्य में कमी आती है, आलस्य नहीं रहता, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम रिजा फुर्ती और रिजा करते हैं स्वच्छता उत्पन्न होती है। इसकी हिंदी भी आपने इस तरह लिखनी है, व्यायाम से शरीर की वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्थिरता, फुर्ती और स्वच्छता उत्पन्न होती है व्यायाम करने से। आगे है,
श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायाम आदि उपजायते। श्रम व्यायाम करने से श्रम क्लम पिपासोषण, श्रम कहा गया थकान, व्यायाम करने से शरीर में श्रम क्लम पिपासोषण, व्यायाम करने से शरीर में पिपासोषण, उष्ण, उष्ण का अर्थ है गर्मी, शीत का अर्थ है सर्दी, शीत आदि नाम सहिष्णुता, व्यायाम करने से शरीर में थकावट उत्पन्न होती है, भूख लगती है, प्यास, पिपासोषण, प्यास, शीत आदि नाम सर्दी, उष्ण, गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति मिलती है। आरोग्यम चापि परमं व्यायाम आदि उपजायते, और व्यायाम से ही मनुष्य में आरोग्यता, किसी भी प्रकार की बीमारी व्यायाम करने से उपजायते, नहीं उत्पन्न होती है। क्या कहा गया है कि व्यायाम करने से मनुष्य में जो व्यायाम से उत्पन्न क्लम करते हैं थकान, व्यायाम करने से, यहाँ पे इसका अर्थ है व्यायाम करने से गर्मी सर्दी श्रम से उत्पन्न, श्रमजन्य, श्रमजन्य अर्थ है श्रम से उत्पन्न थकावट प्यास आदि को सहन करने की क्षमता बढ़ती है और उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। व्यायाम आदि उपजायते आरोग्यम चापि परमम, परमम कहते हैं कि उत्तम आरोग्यता, आरोग्य प्राप्त होता है। उसके बाद है हमारे पास अगला श्लोक चौथा, न चास्ति सदृशम तेन, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य होता है मोटापा, अपकर्षणम उसको कम करना, न च व्यायामिनम मर्त्य मर्द्यन्त्य अर्यो, यहाँ पे इसको विच्छेद करेंगे तो अर्यो, अर्यो का अर्थ होता है शत्रु, मर्त्य की व्यायाम करने से, न चास्ति सदृशम तेन कि व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला और कोई साधन नहीं है। शत्रु भी, अरे होता है शत्रु भी व्यायाम करने वाले मनुष्य को बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते हैं, शत्रु भी व्यायाम करने वाले मनुष्य से डरते हैं। उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला और कोई साधन नहीं है, शत्रु भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते हैं। आगे है पांचवा, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति, जरा होता है बुढ़ापा, स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च, व्यायाम में जो व्यक्ति रत रहता है, व्यायाम जो करता है तो उसके ऊपर बुढ़ापा भी जल्दी आक्रमण नहीं करता, यह इसका अर्थ है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण कर सवार नहीं होता है, व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मांस भी पुष्ट हो जाता है, मांसम च पुष्ट, मांस भी पुष्ट हो जाता है व्यायाम। आगे हमारे पास व्यायाम, व्यायाम स्विन गात्रस्य पद भ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधो नोपसर्पन्ति व्यन्तेयमिवोर्गः वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्, वयो होता है आयु रूप गुण, आयु रूप और गुण से हीन भी
कुर्यात् सुदर्शनम, सुंदर बन जाता है। व्यायाम अश्विन गात्रस्य, व्यायाम से जो है गात्रस्य अंग, इसमें कहा गया है कि शरीर को पसीने से लथपथ करने कर देने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप रोग उसी प्रकार नहीं आते जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं आते हैं। व्यायाम आयु रूप और अन्य गुणों में हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। आगे हमारे पास सातवां, व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम, भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम का अर्थ है कि जो पच, मतलब जो पच जाता है, जो अच्छा भोजन है। इसमें कहा गया है कि जो हमारे शरीर में पका हुआ जो भोजन है, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम जो पका हुआ नहीं है, तो इसका अर्थ है व्यायाम कुर्वतो नित्यम, कि जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शरीर की प्रकृति के विपरीत भली भांति पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। उसके बाद है हमारे पास व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सच शीते संते चते साम पथ्य तमा समृता, कि व्यायाम जो करने वाला मनुष्य है उसको जो है स्निग्ध भोजन भी पच जाता है चिकनाई से युक्त। निश्चय ही यह व्यायाम चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले बलवान व्यक्तियों के लिए सदैव हितकर होता है, परंतु वही व्यायाम शीत और वसंत ऋतुओं में सबसे अधिक हितकारी कहा गया है, यह इसका अर्थ है। आगे हमारे पास सर्वेश ऋतु स्वह रह पुंभीरातम हितैषी भी बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। बलस्यार्धेन की अपने बल के आधे आधा ही व्यायाम करना चाहिए जितना हमारा बल है। क्या कहा गया है कि अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सब ऋतुओं में प्रतिदिन अपने शरीर बल का आधा व्यायाम करना चाहिए, इससे भिन्न अर्थात आधे बल से अधिक व्यायाम करने पर यह व्यायाम हानिकारक होता है। यदि आप अपने आधे बल से अधिक व्यायाम करेंगे तो वह हानिकारक होता है। आगे हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, कि हृदय में स्थित स्थान में जो वायु जब गले वक्त्रम गले तक आती है, व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम, कि उसमें उस व्यक्ति ने अपने बल का आधा व्यायाम कर लिया है। इसका अर्थ है व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के हृदय में उचित स्थान पर स्थित श्वास वायु जब मुख तक पहुंचने लगती है तब आधे बल का लक्षण होता है कि उसने आधे बल का व्यायाम कर लिया है। आगे हमारे पास वयोवल श्री रानी देश काल कालास्नानानी च समीक्षा कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगमाप्नुयात्। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आयु बल शरीर स्थान समय तथा भोजन का सोच विचार करके व्यायाम करना चाहिए अन्यथा रोगों को प्राप्त होता है। बल श्री राणी, मनुष्य को अपनी आयु की, यदि मनुष्य की आयु बूढ़े हो गए हैं तो व्यायाम उसी अनुसार थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मनुष्य को व्यायाम अपनी आयु बल शरीर और देश और स्थान आदि को देखकर कुर्यात् व्यायाम अन्यथा, भोजन का भी उसको सोच विचार करना चाहिए तभी उसको व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। यदि बच्चा है तो उसे उस अनुसार व्यायाम करना चाहिए। तो मनुष्य को अपनी आयु बल शरीर समय स्थान तथा भोजन का सोच विचार करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यायाम रोगों को उत्पन्न करता है। इस तरह से आप इस पाठ को अच्छी तरह समझिए। वीडियो बहुत बड़ी बन रही है तो इसको मैंने तभी जल्दी जल्दी समझा दिया, आप इसको अच्छी तरह समझें, लिखें, याद करें। धन्यवाद।